shit, shit. जैसे आप देख रहे हैं कि बसंतर का पानी बहुत अधिक बढ़ गया है, बहुत अधिक पानी जो है बसंतर में आया हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे दलोड की दोनों तरफ, दलोड और आमली इस डैम की दोनों तरफ जो है पानी बहुत अधिक बढ़ गया है। तो इसका कारण ये है कि यहाँ डैम जो बना हुआ है, डैम के जो शटर हैं, तो शटर पूरी तरह से डिपार्टमेंट ने नहीं उठाए हुए हैं, और यही कारण है कि पानी जो है ये साइडों पे अपनी दिशा ले रहा है। और जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ धलोट जो बसंतर डैम है, ये इसके किनारे जितने भी मंदिर है या जो भी चीज़ें हैं, सब खतरे में आ गई हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये भोलेनाथ का मंदिर जो है, ये पूरी तरह से पानी से चारों तरफ गिर गया है। आप देख रहे हैं ये नाबिदे हाई सेकेंडरी स्कूल धलोड़ का ग्राउंड भी पूरी तरह से पानी के बीच गिर गया है। आप यहाँ पे देखो, ये खो खो का पोल जो है, एक पोल जो है ग्राउंड का, ये भी भर गया है, ये आधा आधा भर गया है। तो कितना पानी हो सकता है? तो ये पानी जो है ये बड़ी तेज़ी के साथ स्कूल की तरफ बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं ये लगता है कि और घंटे डेढ़ घंटे के बाद अगर ऐसे पानी बढ़ता रहा तो ये नाबिदे हाई सेकेंडरी स्कूल में घुस जाएगा। तो ये डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत ही ये एक लापरवाही की बात है कि डिपार्टमेंट जो है वो इस तरह से इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। उसको पता है कि बरसात आ रही है, फिर भी उन्होंने ये डैम के शटर जो हैं वो नहीं उठाए हैं। तो मैं हायर अथॉरिटी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से रहा तो ये बहुत ही जान माल का नुकसान होगा दलोट में और आमली गांव में। तो जल्दी से वो अपनी टीम को भेजें और शटर जो है वो उठवा दें। जैसे मैं फिर से आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पानी नाबिदे हाई सेकेंडरी स्कूल दलोट की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और साथ में मंदिर तो जो इन्होंने आधा जो है वो मंदिर जो है वो बीच में आ गया।